गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हो आपको सुबह सुबह बढ़िया सा नाश्ता मिल जाए और बढ़िया सा दिन हो जाए। तो आज हम आपको लेके चलने वाले हैं मैनपुरी के कुछ ऐसे ही जायकों के पास जहां पर मिलता है बढ़िया सा नाश्ता। तो आपको आज दिखाते हैं मैनपुरी के जगह जगह पर जाके बढ़िया सा नाश्ता। ज्यादा देर ना करते हुए आपको लेके चलते हैं सीधे मैनपुरी में और दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नाश्ता। चलिए तो भाई साहब, पहली डेस्टिनेशन हमारी आ गई मनोज भाई की स्पेशल नान। इस थाली में हमें दिया क्या गया है, ये रायता है, ये आपकी छोले की सब्जी है, ये प्याज है, अचार है और ये एक नान है। ये पड़ता है करैल चौराहे पर। बहुत ही सस्ता और सिंपल नाश्ता है ये। आपको छोले की सब्जी है, इसमें रायता है और ये प्याज और अचार है और ये आपकी आलू वाली नान है। एक हमने पनीर की नान लगवाई है। तो इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो ये वाली जो नान है हमारी पनीर की नान है, पूरा अच्छी तरीके से नान बना रखा है। मैं एक बार तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही गर्म है, पूरा पनीर की स्टफिंग हो रखी है। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, बढ़िया सी स्टफिंग है। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ आलू की स्टफिंग हो रखी है। तो हम टेस्ट करते हैं भाई आलू वाली नान से। ये छोले की सब्जी है। पहले सुबह का नाश्ता आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, मज़ा आ गया। मैं अक्सर यहाँ पे नाश्ता करता हूँ, बहुत ही शानदार बनाते हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर। ये अप्रोक्स 50 रुपये का होगा। एक इसमें पनीर नान है और एक इसमें आलू नान है, 50 रुपये का ये पड़ता है। ये है आपका पनीर फुल नान। तो इसको टेस्ट करते हैं। ये अचार लगाते हैं इसमें और ये छोले की सब्जी है, बड़ी लाजवाब है। और बाइट लेते हैं। एक नंबर, मजा आ गया। हमारी बेड़मी है, अब देख सकते हैं वहां हमने 40 रुपये स्पेंड किए और यहाँ पे हम देखते हैं कितने का है नाश्ता। और ये सब्जी एक बार दिखा देना। तो ये देखिए सब्जी बढ़िया सी आलू वाली। तो लेते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट, यहाँ का बताते हैं आपको। तो मनोज भाई की नान खाने के बाद हम सीधे आ गए आई लव स्नैक्स पे। ये पड़ता कहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पड़ता है घंटा का चौराहे पे, स्टेट बैंक के मेरे पीछे, स्टेट बैंक के बगल में ये पड़ता है पॉइंट। तो यहाँ की भाई साहब खस्ता कचौड़ी और बेड़मी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा लोग चाव खाते हैं। मेन चीज़ यहाँ की मैं आपको बता दूँ, पत्ते का दोना है, इसमें आप सब्जी सर्व करते हैं और इसमें मखाने भी डल रखे हैं। और ये जलेबी हमने ली है, बड़ा करारी कुरकुरी जलेबी है। तो 200 रुपये किलो जलेबी है और 20 रुपये के दो पीस मिलते हैं, चाहे आप बेड़मी ले लें चाहे आप खस्ता ले लें। टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट यहाँ का। तो सबसे पहले बेड़मी ट्राई करते हैं और बेड़मी को एक बार थोड़ा क्रश करते हैं, बिल्कुल बड़ा करारी है ये। और देखिए इसके अंदर स्टफिंग है दाल की, आपको दिखा दूं दाल की स्टफिंग है। ट्राई करते हैं इसको अपनी ये लाजवाब सब्जी के साथ, मज़ेदार। सच में अल्टीमेट टेस्ट है, मज़ेदार है। यहाँ पे मैं बहुत बार खा चुका हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही पॉइंट दिखाऊंगा आज जहाँ पे बढ़िया से नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ खस्ता। खस्ता बड़ा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा ताज़े सिक्के आए हैं। मखाने पनीर की सब्जी है, पनीर इसमें दिख रहा है। और ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं, मज़ेदार, बढ़िया स्वाद है इसका। और खस्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बढ़िया है खस्ता इनका और बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये इनकी जलेबी है, बिल्कुल बतासे जैसी जलेबी है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी पतली पतली जलेबी है। और इसको ट्राई करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ेदार। 20 रुपये की 100 ग्राम मिली है, 200 रुपये किलो है। तो आसपास आप भी हों तो यहाँ आके आप इन सारी चीज़ों का टेस्ट ले सकते हैं। तो हम अभी कचौड़ी खा के आए हैं, सीधे आ गए कहाँ पर, स्टेशन रोड पर। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको टेस्टी टेस्टी पोहा। हालांकि इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है, तो आपको फुल वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप फुल वीडियो आपकी देख सकते हैं। तो ये हमारे बढ़िया से पोहे आ गए हैं, और एकमात्र दुकान, एकमात्र कार्ट है ये मैनपुरी के अंदर। तो ये पड़ती कहाँ पे, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ। तो ये NMB है, ICICI बैंक है, और इसके जस्ट सामने ये पोहा की कार्ट है। ये बढ़िया सा पोहा है, 30 रुपये की फुल प्लेट है और 20 रुपये की छोटी वाली प्लेट है। तो सुबह का ऐसा नाश्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको खाने को अगर मिल जाए तो आपका दिन तो बहुत बढ़िया होने वाला है। वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएंगे। तो ये पोहा की प्लेट आ गई है, बढ़िया से पोहा है, मूंगफली के दाने डले हुए हैं, स्नैक्स डला हुआ है, और प्याज है और टमाटर है। हालाँकि इसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। एकमात्र पोहे की वीडियो डली हुई है, तो टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। बाइट लेता हूँ, मज़ेदार, बढ़िया स्वीटनेस एक आ रही है पोहे के अंदर, बहुत ही शानदार। तो तीसरी लोकेशन के बाद हम आ गए चौथी लोकेशन पर, यह है राधा स्वीट्स। यहाँ पे कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कचौड़ी के साथ यहाँ नाश्ते में जलेबी मिलती है। ये इनकी खस्ता कचौड़ी है, आपको दिखा दूँ, और इनकी ये सब्जी है, ये देखिए स्टफिंग हो रखी है दाल की, और ट्राई करते हैं। तो ये पंजाबी कॉलोनी में पड़ती है, पंजाबी कॉलोनी का पहला जो स्टेशन रोड पे गेट है, अंदर की तरफ आएंगे तो ये राधा स्वीट पड़ता है, खस्ता कचौड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बढ़िया, 1 नंबर स्वाद, बढ़िया। पांचवी और लास्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ, कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये पड़ता है, मेरे पीछे देख रहे हो कार्ट लगी हुई है, यहाँ पर भाई साहब बेड़मी और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको मिलती है यहाँ पे, ये रायता। यहाँ पे प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये बेड़मी है, आपको दिखा दूँ, 20 रुपये की 4 बेड़मी मिली है यहाँ पर, और 2 रायता 10-10 रुपये के हमने लिए हैं। कि एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये आपका पोस्ट ऑफिस है, मेन बड़ा वाला पोस्ट ऑफिस, और ये भीमराव अम्बेडकर साहब है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। इसके जस्ट सामने ही हमारा एक कार्ट है, और ये यहाँ पे हमारी लास्ट लोकेशन होने वाली। सबसे पहले हम रायता टेस्ट करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा खाने के बाद एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी होना ज़रूरी है। मज़ेदार, एकदम खट्टा, बूंदी का रायता है, 10 रुपये इसकी प्राइस है,
बहुत ही शानदार है। मतलब इसके पीने के बाद कहते हैं पेट की सारी चीजें जो है पच जाती हैं, जितना हमने खाया है पच जाएगा। तो भाई बेड़मी हमने खोल ली है, देखिए इसमें कसूरी मेथी डली हुई है, कसूरी मेथी के साथ ये बेड़मी बन रखी है। और सबसे अच्छी बात है 20 रुपये की 4 बेड़मी हमें दी है, और ये अचार दिया है, प्याज दिया है, और ये बढ़िया सब्जी मिली हमें छोले वाली। तो टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। बढ़िया लाजवाब। ये 5 जगह मैंने आपको दिखाई हैं। वैसे मैनपुरी में बहुत सारी जगह हैं दिखाने के लिए, नाश्ते के लिए, मगर 5 को मैंने प्रेफरेंस दिया ज़्यादा। तो आपकी नज़र में अगर कोई और दुकान हो और शॉप हो जिसमें बढ़िया नाश्ता मिलता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम वहाँ पे वीडियो जरूर शूट करेंगे। आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जाके नए स्वाद के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।